यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सूरज एजुकेशन ग्रुप वेलकम्स यू। एज यू नो आई एम डॉक्टर पंकज एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। सो आज हम डीएनए रेप्लिकेशन फॉर 12th क्लास पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो लेक्चर बनाया था डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसमें मैंने बहुत सारे एंजाइम्स को एक्सप्लेन किया था जो एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जिस स्टूडेंट्स ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो हमारी यूट्यूब साइट सूरज एजुकेशन ग्रुप पर जाकर इजिली वो वीडियो लेक्चर देख सकता है। और इसके बाद आइए हमारा मेन प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन, आप कहीं भी जाइए, आप बीएससी में जाइए, आप एमएससी में जाइए, आपको डिटेल व्यू से पढ़ना पड़ता है। इवन आप जब एमबीबीएस बीडीएस वगैरह में भी जाएंगे वहां भी रेप्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। जब आप वायरोलॉजी पढ़ेंगे, जब आप बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे वहां भी इसका बहुत बड़ा रोल। सो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड पॉइंट व्यू से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी ये डीएनए रेप्लिकेशन हमें समझ में आएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिएगा जरा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, यू नो वेरी वेल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए इज बेसिकली कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए कैसा चार्ज होता है डीएनए पर, अगर हम देखें तो नाम से ही डीएनए, डी फॉर डीएनए, एन फॉर नेगेटिव, ए फॉर एनोड। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड की तरफ मूव करता है। डीएनए रेप्लिकेशन मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए, डीएनए की एक कॉपी बनाना, इसी को ही हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन, देखिएगा प्रोसेस को। ये हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाया है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज सराउंडेड बाय बेस पेयर एंड दीज बेस पेयर आर कंबाइंड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म को स्टेबलाइज करके रख रहा है यहां पोजिशन में। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर जब आप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम दैट इज हेलिकेज, इट इज आल्सो कॉल्ड अनवाइंडेज, इट अटैक ऑन ए पार्टिकुलर साइट। व्हाट द नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर साइट, दिस पार्टिकुलर साइट इज नोन एज ORI। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मींस डीएनए रेप्लिकेशन अनजिप फ्रॉम ए पार्टिकुलर साइट एंड द नेम ऑफ पार्टिकुलर साइट इज नोन एज ORI, means origin of replication। So, एक ORI देखने को मिलेगी आपकी prokaryotes में, viruses में, bacteria में, और बहुत सारे ORI आपको नजर आती है eukaryotes में। Several replicating units are present in the eukaryotes। So, ये देखिए ORI पर helicase ने अटैक किया और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए। जैसे ही इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे ये अनजिप हो गया। देखिए आपको इजिली नजर आ रहा है डबल स्ट्रैंड, सपोज दिस वन इज द ORI, यहां से क्या किया रैप, इसने स्ट्रैंड को ओपन कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे और स्ट्रैंड आपके ओपन हुए। सो फर्स्ट इंपोर्टेंट रोल मैंने पहले भी बताया था आपको, हेलिकेज और अनवाइंडेज का क्या रोल देखने को मिलेगा। हेलिकेज और अनवाइंडेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनजिपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करेगा, इट अटैक्स ऑन ए पार्टिकुलर साइट दैट इज नोन एज ORI, ORI पर अटैक करेगा और ORI पर अटैक करके ये अनजिप कर देगा डीएनए को बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, नाउ अब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, डीएनए आपका अनजिप हो गया। अब कैसा डीएनए ये नजर आ रहा है आपको, देखिए कैसी स्ट्रक्चर ये नजर आ रही है, एक वाई शेप की स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, वाई शेप स्ट्रक्चर। दिस वाई शेप स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वाई शेप स्ट्रक्चर, this y shape structure is known as replicating fork, this y shape structure is known as replicating fork। So what is replicating fork, the y shape structure is basically formed after attack of helicase or unwindage at ORI, ORI ke attack karne ke baad jo y shape ki structure bani hai, द
दैट इज नोन एज रेप्लिकेटिंग फोर्क। अब देखिए, अब जैसे ही रेप्लिकेटिंग फोर्क बना, डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया, ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया, बट ये तो दोबारा भी इनकी कॉइलिंग हो सकती है, इंटरकॉइलिंग हो सकती है, फिर इसको स्टेबल कौन करेगा, क्वेश्चन आपके माइंड में, ये तो दोबारा भी तो कर सकता है बिल्कुल। सो इसको स्टेबिलिटी के लिए कुछ प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज प्रोटीन, दीज आर नोन एज SSBP, सो दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, SSBP प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजिंग ऑफ DNA, इंटरक्वाइलिंग कभी नहीं हो जाए दोबारा से, तो उसको बचाने के लिए SSBP प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, जो इन स्ट्रैंड्स को एक पार्टिकुलर पोजिशन पर स्टेबलाइज करेंगे। ओके, सो SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। नाउ जैसे ये स्टैंड आपके स्टेबलाइज हुए, किसी चीज को हम खींचते हैं, किसी चीज को हम पुश करते हैं, एकदम से खींचते हैं, जैसे रस्सी है, रोप को आप खींचते हो एक साइड से, तो दूसरी साइड उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है ना, सिमिलर केस यहां देखने को मिलेगा। क्या जैसे ही ये आपके डीएनए के स्ट्रैंड अनवाइंड हो चुके हैं, ये इन इसमें रेप्लिकेटिंग फोर्क के इस साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, टेंशन क्रिएट हो जाती है, टेंशन और नेगेटिव सुपरकॉइलिंग इज बेसिकली क्रिएटेड, एंड दिस टेंशन और नेगेटिव सुपरकॉइलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन। आज ही इसको अपने ब्रेन के सभी कपाट खोल लीजिए और उसमें ये फिट कर लीजिए क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग ऑफ नेगेटिव सुपरकॉइलिंग और टेंशन, टेंशन को रिमूव कौन एंजाइम करेगा, दैट इज टोपो आइसोमरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज द टोपो आइसोमरेज। मैंने एक ही डायग्राम में ये सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, नाउ व्हाट इज द मेन एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। पॉलीमरेज इज बेसिकली थ्री टाइप, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड, पॉलीमरेज थर्ड। पॉलीमरेज फर्स्ट इज नोन एज कॉनबर्ग एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सो पॉलीमरेज थर्ड इज द मेन एंजाइम, बट पॉलीमरेज थर्ड जो है उसको एक शॉर्ट फ्रैगमेंट चाहिए पॉलीमराइज करने के लिए, स्ट्रैंड्स को आगे पॉलीमराइज करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए, वो खुद नहीं कर सकता, अ शॉर्ट स्ट्रैंड मस्ट बी रिक्वायर्ड, एंड दिस शॉर्ट स्ट्रैंड प्रोवाइडेड बाय प्राइमेज, और इट इज नोन एज, कौन बताएगा इसका सेकंड नेम, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ प्राइमेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सो यहां क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड अ प्राइमर, दिस वन इज द आरएनए प्राइमर, अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ प्राइमर, बेसिकली इट मे बी कंक्लूडेड दैट द आरएनए प्राइमर इज बेसिकली 6 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आपका आरएनए प्राइमर देखने को मिलता है। सो ये आरएनए प्राइमर, प्राइमर का एडिशन हुआ, बट ऑलवेज बी रिमेंबर दैट डीएनए पॉलीमरेज रीड टेम्पलेट्स फ्रॉम 3' to 5'। डीएनए पॉलीमरेज रीड टेम्पलेट फ्रॉम 3' to 5'। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइज न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम 5' to 3'। So the direction of DNA is always be 5' to 3'. Always be remember that. And the DNA polymerase also show an activity that is known as exonuclease activity. Exonuclease activity takes place reverse from 3' to 5'. These are the very important point. So this RNA primer always be attached at the 3' end of template strand. Very very important. Ye hamesha 3' par hi attach hoga. बिकॉज ऑफ द OH ग्रुप, OH ग्रुप ये प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही प्राइमेज ने OH ग्रुप यहां प्रोवाइड किया, फ्री 3' OH ग्रुप, सो यहां पॉलीमरेज ने अटैक किया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और उसने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करनी शुरू कर दी अकॉर्डिंग टू चारगफ रूल, यू नो वेरी वेल, ए किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन किसके साथ जुड़ेगा, ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो देखिएगा जरा, पॉलीमरेज ने पॉलीमराइज करना शुरू किया और एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनना यहां स्टार्ट हो गया,
बेस पेयरिंग अटैच होगी। दिस कॉन्टिन्यूअस स्टैंड इज बेसिकली कॉल्ड लीडिंग स्टैंड। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एक ही आपके प्राइमर से बना है, एक ही प्राइमर से कॉन्टिन्यूअसली रेप्लिकेटिंग होता जाएगा, कॉन्टिन्यूअसली न्यू स्टैंड फॉर्मेशन होती जाएगी, इस बारे में ध्यान रखेंगे। नाउ मैंने कहा ना अभी आपको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऑल्सो शो एक्जोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इफ एनी रॉन्ग बेस पेयर एड बाई डीएनए पॉलीमरेज थर्ड देन इट गो बैक, ये बैक में जाएगा और रॉन्ग बेस को कट करेगा और वहां करेक्ट बेस पेयरिंग यहां ये शो करेगा। दिस एक्टिविटी इज नोन एज एक्जोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंड दिस एक्टिविटी जब रिवर्स में जा रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो द एक्जोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म बाई डीएनए पॉलीमरेज दैट इज टुवर्ड्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस स्टैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लीडिंग स्टैंड बन गया, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आई। प्रॉब्लम हमें आने वाली है यहां पर, ये देखिए यहां है 5 प्राइम एंड और मैंने आपको बताया है प्राइमर हमेशा अटैच होगा एट द 3 प्राइम एंड। नाउ अब यहां प्रॉब्लम आ गई, सपोज अब यहां 3 प्राइम एंड इसने यहां रीड किया, सपोज 3 प्राइम एंड यहां रीड किया, सो वही प्राइमर बना दिया, प्राइमर बन गया और पॉलीमरेज ने अटैक किया, नए स्टैंड की फॉर्मेशन हो गई, नए स्टैंड की फॉर्मेशन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। बट जैसे ही जो हेलिकेज है इसने और कट किया, डबल स्टैंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड को और कट किया, तो जैसे ही और कट किया तो ये इसने और ज्यादा डीएनए बाहर निकल कर आया, और ज्यादा डीएनए अनजिप हुआ। अब प्रॉब्लम आ गई क्या, ये प्राइमर तो इस प्राइमर ने तो इतना स्टैंड बना दिया लेकिन ये स्पेस आपके पास बच गया क्योंकि और ज्यादा खींच दिया ना हमने डीएनए को, ये स्टैंड आपके पास बच गया। तो अब इस स्टैंड पर डबल स्टैंडेड डीएनए कैसे फॉर्म होगा, दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉइंट। नाउ अनदर प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू स्टैंड। तो यहां अब एक और प्राइमर की नीड होगी, जैसे जैसे डीएनए खिंचता जाएगा यहां एक और प्राइमर की रीड होगी क्योंकि वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करना, पॉलीमरेज को 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करना, प्राइमर अटैच होगा हमेशा 3 प्राइम एंड पर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अब देखिए यहां कुछ आपको शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनते हुए नजर आएंगे डीएनए के, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स इस तरह से शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्राइमर मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रैंड। सो दीज शॉर्ट फ्रेगमेंट्स आर बेसिकली कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और ये शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं, इस वजह से इस स्टैंड पर आपका ये डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड बना है, छोटा 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 डिसकॉन्टिन्यूअस। ऊपर वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये तो कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, दिस स्टैंड इज नोन एज डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैगिंग स्टैंड। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड इज कॉन्टिन्यूअस स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड इज बेसिकली डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड। डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड लैगिंग स्टैंड देखने को मिलेगा और कॉन्टिन्यूअस स्टैंड लीडिंग स्टैंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्राइमर, प्राइमर की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमें क्योंकि ये तो आरएनए, आरएनए का क्या रिक्वायरमेंट होगी डीएनए। दिस प्राइमर इज रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्राइमर को रिमूव करेगा यहां से और इस स्टैंड को कंप्लीट करने में भी ये हेल्प करेगा। इस स्टैंड को जैसे प्राइमर रिमूव हुआ तो गैप बनेगा, इतना गैप बना है, दिस गैप इज रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सो पोल फर्स्ट इज इन्वॉल्व्ड फॉर द फिलिंग ऑफ गैप। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यहां जो आपके देखने को मिलेंगे शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट इज नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, दीज फ्रेगमेंट्स are joined with the help of a enzyme that is known as molecular glue, it is also called ligase. So yahan kya karega, yahan ligase ka role aapko dekhne ko milega, lagging strand par ligase in dna strands ko continuous kar dega, continuous ho jayenge dna ke strand aur complete strand ki formation ho jayegi. Now these primer ka to remove karne ka kaam wahi karega, polymerase rna dna polymerase first, इस बारे में ध्यान रखेंगे। बट ऑलवेज बी रिमेंबर दैट अगर यहां लीडिंग स्टैंड पर गैप मिलता है तो उस गैप को तो फिल किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू, बट
अगर लैगिंग स्टैंड पर ये गैप जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के थ्रू बने हैं इसको फिल किया जाएगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलिकुलर ग्लू। और फाइनली ये स्टैंड भी कैसा स्टैंड बन जाएगा, लीडिंग स्टैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फाइनली डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन हमेशा आपको 5' to 3' देखने को मिलेगी। सो दिस वन इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। मैं फास्ट एक बार रिवीजन करना चाहूंगा, दिस वन इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस वन सपोज दिस वन इज द ओआरआई, ओआरआई पर अटैक किया, ओआरआई मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओआरआई पर अटैक किया हेलिकेज ने, अनवाइंड कर दिया, वाई शेप स्ट्रक्चर बनी, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, वाई शेप स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड हो गए, सिंगल बन गया, सिंगल स्ट्रैंड, तभी तो नया स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा इन्हीं के। ये आपको क्या एसएसबीपी प्रोटीन्स डीएनए स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेंगे, टेंशन को रिमूव करेगा, टोपो आइसोमरेज बेसिकली रिमूव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग और टेंशन, टेंशन को रिमूव करने में हेल्प करेगा। नाउ प्राइमेज और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर प्रोड्यूस करेगा, प्राइमर यहां शॉर्ट प्राइमर रिक्वायरमेंट होगा और वो प्राइमर 3' एंड की तरफ आपको देखने को मिलेगा, यहां से नया स्टैंड बनेगा लीडिंग स्टैंड, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स डीएनए वाला स्टैंड लैगिंग स्टैंड और फाइनली डीएनए लाइगेज का आपको रोल देखने को मिलेगा। सो दिस वन इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से टॉपिक ये समझ में आया होगा, इसको लाइक कीजिए, बहुत अच्छे से शेयर कीजिए और सूरज एजुकेशन ग्रुप हमेशा हर स्टूडेंट्स के लिए तैयार है, हर वक्त आप लोगों के लिए तैयार है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।